सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग जो कि आप हमें स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये वाला फोटो जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था तो आप लोगों में से काफी सारे कमेंट आए थे कि हमें इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, इसके लिए जो मैं आज वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अगर आपको भी सीखना है कुछ इस तरह का कमाल का फोटो एडिटिंग तो ये वाले वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे पहले फोटो को पोस्ट करता हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद ही इसके ऊपर ट्यूटोरियल आता हूँ। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्सेल एप्लीकेशन में ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और जो भी बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जाना है टूल्स पे, और यहाँ पे जाना है क्रॉप पे, और यहाँ पे जो है आपको इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे जो है जस्ट आपको इस तरह से जूम करना है, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना इस तरह से, और यहाँ से डन कर लेना। तो देख सकते हो हमारा क्रॉप हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से टूल्स पे चलते हैं और यहाँ पे फ्लिप एंड रोटेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे हॉरिजेंटल के साइड रोटेट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से हमें अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपने फोटो को ऐड कर लिया है, और ये वाला फोटो को जो है मैंने ऑलरेडी कटआउट कर लिया था। अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक से आप सीख सकते हो, और आप भी चाहे तो इस तरह का पोज दे सकते हो। नेक्स्ट हमें ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, तो हमारे फोटो का जो है एक और लेयर आ जाएगा, डुप्लीकेट लेयर, और इसे जो आपको बिल्कुल परफेक्टली जो पीछे वाला लेयर है मतलब फोटो है उसके साथ एडजस्ट कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है ब्लेंड पे, और ब्लेंड को आपको यहाँ पे कर देना है ओवरले। ओवरले करने के बाद आपका फोटो जो है कुछ इस तरह का डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इस तरह का टोन चाहिए हमारे फोटो में। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं एरेज वाले टूल पे, और यहाँ पे जो आपको अपने फेस के ऊपर से बस थोड़ा सा एरेज करना है। तो हार्डनेस को मैं रख लेता हूँ 1 पे, ओपेसिटी 25, और साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। और जस्ट आपको इस तरह से ओनली बॉर्डर्स के पार्ट को इरेज कर लेना है, और हैंड के पास भी चाहे तो आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो, और यहाँ से कर लेना डन। तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे बैकग्राउंड है इसके साथ अपने फोटो को मैच करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे टूल्स पे चलते हैं, और यहाँ पे चलते हैं एडजस्ट पे, और यहाँ पे शेडोज को यहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं। शेडोज को डिक्रीज करने के बाद देख सकते हो डार्क हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इरेज पे चल के इन्वर्ट कर देंगे, और रिस्टोर पे जाके आपको यहाँ पे हार्डनेस को 1 पे रखना है, ओपेसिटी फुल रखना, और साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। और जस्ट आपको कुछ इस तरह से अप्लाई कर देना है, जो भी यहाँ पे माउंटेन्स के पार्ट है वहाँ पे अप्लाई करना, और बाहर की तरफ इसका इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने शेडो को कम किया था। अगर हम ब्राइटनेस को कम करते तो यहाँ पे पूरा डार्क हो जाता, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो शेडो को कम किया था ताकि आप इजिली ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर सको। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है इसका, चाहे तो इसका ओपेसिटी आप यहाँ पे ज्यादा कम करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे -100 पे रख के यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिर से ऐड फोटो पे, और इस बार हमें यहाँ पे मून के पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये वाले फोटो को ऐड कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये वाला फोटो थोड़ा सा फेडेड है। तो सिंपल है यहाँ पे एडजस्ट पे जाके इसका कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फोटो यहाँ पे डार्क हो जाएगा, और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ब्लेंड पे, और ब्लेंड को कर देंगे स्क्रीन। तो देख सकते हो बैकग्राउंड इरेज हो गया। तो सिंपल अपने मून को हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं फोटो के लेफ्ट कॉर्नर में, और ओपेसिटी में 87 रख के यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाना है, और इस बार आपको यहाँ पे स्टार्स के पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया, तो सिंपल आपको यहाँ पे जो क्रॉप वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और जो माउंटेन वाला पार्ट है उसे क्रॉप कर देना, ओनली स्टार्स के पार्ट को यहाँ पे रखना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है एडजस्ट पे, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है हम बिल्कुल हाई कर लेते हैं, और सैचुरेशन को बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं। तो ये देख सकते हो सारा कलर यहाँ से रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ब्लेंड पे, और ब्लेंड को कर देते हैं स्क्रीन, और इसे जो है आपको इस तरह से ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे जाना है इरेज वाले टूल पे, और यहाँ से कर लेना है इन्वर्ट। फिर आपको रिस्टोर पे जाके हार्डनेस को बिल्कुल डिक्रीज कर देना है, और साइज़ को रख लेना 46, और कुछ इस तरह से आपको जस्ट ऊपर की तरफ अप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी डन कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाके सेम पीएनजी को ऐड कर लेना है, और सेम पहले की तरह यहाँ पे सारा प्रोसेस कर लेना है, लेकिन इस बार जो है आपको अपने बॉडी पे अप्लाई करना है इसे, और एरेस पे जाके इन्वर्ट कर लेना, और स्टोर पे जाके हार्डनेस को 1 रख लेना, ओपेसिटी को 70% के आसपास, और साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। और जस्ट आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है अपने क्लोथ्स के साइड पर, और अपने हेयर्स पर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेना। तो ये हो गया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और इसका ओपेसिटी रख लेता हूँ मैं 78, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी अप्लाई कर लेता हूँ तो अच्छा लगेगा। देख सकते हो ये हो गया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। इसके सिंपल हम ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके इस इमेज को गैलरी में सेव कर लेते हैं। अभी इस फोटो को कमाल का रिटचिंग देने के लिए हमें लेके जाना है इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पे अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके मिक्स टूल पे जाना है, और यहाँ पे जो रेड का सैचुरेशन है इसे आपको इंक्रीज कर देना है,
और ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना और लुमिनस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। इसके बाद आपको ऑरेंज टोन पे जाना है, ऑरेंज का भी सेम सैचुरेशन ह्यू इंक्रीज कर देना और लुमिनस को भी इंक्रीज कर लेना और येलो का भी सेम। फिर आपको यहाँ पे जाना है पर्पल टोन पे और यहाँ पे सैचुरेशन को 60% इंक्रीज कर लेना, ह्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पे लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ डन। फिर हम यहाँ पे फोटो की वाइब्रेंस को इंक्रीज करते हैं और सैचुरेशन को -6 कर लेते हैं। फिर आपको ये वाले टूल पे जाके फोटो के कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर देना है और हाइलाइट्स को डिक्रीज करके शेडो को इंक्रीज कर देना और यहाँ पे व्हाइट्स को यहाँ पे इंक्रीज करके ब्लैक्स को डिक्रीज कर देना। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोजर को बस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 0.10। तो ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे फोटो के टेम्परेचर चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 0 पे रखता हूँ और यहाँ पे जो टिंट है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ -7 पे। फिर आपको ये वाले टूल पे जाके फोटो की क्लैरिटी को इंक्रीज करना है 10% और विग्नेट को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना। फिर ये वाला टूल पे जाके आपको शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फोटो में थोड़ा सा ग्रेन्स को ऐड करते हैं जिससे हमारा फोटो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ पे फोटो रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो बिफोर वाला पिक जो कि था पिक्सेल एप्लीकेशन में, और ये देख सकते हो आफ्टर हमारा फोटो कितना कमाल का लग रहा है रिटचिंग करने के बाद। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।